सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर सुमित ठाकुर, आप लोगों के सामने, और आपका स्वागत करता हूं 11th क्लास की इंग्लिश की क्लास में. बच्चों, आज की जो क्लास है दैट इज बेस्ड ऑन वॉइस ऑफ द रेन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस. मतलब वॉइस ऑफ द रेन पोम के कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आज हम करने वाले हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इस पूरी की पूरी क्लास को अटेंड जरूर करें और मेक श्योर कि आप जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लें. बच्चों, अगर आप में से कोई भी अपना 11th क्लास का इंग्लिश का टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है, तो मैंने ऑलरेडी सारी की सारी क्लासेस ले ली हैं, सारी चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है. अगर आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो. प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा. तो मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी मेरी क्लासेस को अटेंड कर लीजिए और अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, ठीक है? मेरे टेलीग्राम चैनल को बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आप लोगों को सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स मेरी क्लासेस के बारे में. तो जो भी आने वाली क्लासेस हैं, अगर आप उनकी अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लो. टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा. अब बात करते हैं बच्चों आज की इस क्लास की. तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली बेस्ड है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे. आप सोचोगे सर एग्जाम तो सब्जेक्टिव आ रहा है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन किस लिए? क्योंकि हमें नहीं पता एट द एंड क्या हो जाए. सर्कुलर के हिसाब से सब्जेक्टिव एग्जाम आना चाहिए, लेकिन सीबीएसई ने ये भी कहा था कि अगर सिचुएशन डिस्परेट हो जाती है तो उस केस के अंदर ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है. तो इसीलिए पोम के और हर एक चैप्टर के मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी बच्चों को करा रहा हूँ. इससे क्या होता है, चैप्टर रिव्यू भी हो जाता है ना. तो जैसा कि मैंने बताया, पोम का नाम है वॉइस ऑफ द रेन, और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे पोएट का नाम क्या है. पोएट का नाम है वॉल्ट विटमैन, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आंसर के साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसका आंसर जो है ये क्यों है. जो भी इसका आंसर होगा वो मैं साथ के साथ एक्सप्लेन भी करूंगा कि वो आंसर यहाँ पे क्यों है, ठीक है? तो देखो, पहला क्वेश्चन है द पोम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन. तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इस पोम के अंदर जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो किसके बीच में हो रही है? पोएट और रेन के बीच में हो रही है. स्टार्ट कैसे होती है? जो पोएट है वो रेन से क्वेश्चन करता है कि तुम कौन हो. तो उस टाइम पे जो रेन है वो जवाब देती है कि वो कौन है. वो कहती है आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की पोम हूँ. दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये है कि व्हाट डज द पोएट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार. सॉफ्ट फॉलिंग शार किसको बोला गया है? यहाँ पे रेन को बोला गया है. कि जो रेन है उससे जो पोएट है वो क्या क्वेश्चन करता है. तो पोएट ने क्या क्वेश्चन करा था? हु आर यू. हालांकि ऐसे नहीं करा था, यहाँ पे ये वर्ड्स हैं जिनका यूज हुआ है होम में. हु आर दो, हु आर दो का मीनिंग यही होता है, हु आर यू, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों. थर्ड क्वेश्चन दैट इज व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन हु आर यू. तो मैंने ये शुरू में ही बताया है कि उसने क्या बोला था, पोम ने सॉरी रेन ने बोला था कि आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, कि मैं अर्थ की पोम हूं, मतलब क्रिएशन हूं. पोम का मतलब यहाँ रचना हो सकता है. और ये जो लाइन थी आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, वैसे यहाँ शी लिखा हुआ है लेकिन आई एम द पोम ऑफ द अर्थ पोम में था, एनसीईआरटी में. तो यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है. किसका इस्तेमाल किया गया भाई? मेटाफर का. कैसे? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो रेन है उसका कंपेरिजन किससे हो रहा है, पोम क्या नाम है, पोम से हो रहा है, वो भी विदाउट एज और लाइक. तो मेटाफर तो आपको पता ही है, दैट इज बेसिकली अ डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स ना. चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों, चौथा क्वेश्चन है व्हाई डज द रेन टेल द पोएट दैट शी कैन नॉट बी टच्ड. मतलब कि जो रेन है वो पोएट को ये क्यों कहती है कि उसको टच नहीं किया जा सकता. क्योंकि बिकॉज शी इज वॉटर, बिकॉज शी राइज इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर, बिकॉज शी इज इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स और नन ऑफ द अबव. तो बच्चों इसका तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दैट आंसर है दैट इज बी, बिकॉज शी राइज इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर. और मैंने आपको बताया था कि जब ये राइज होती है तो ये जो इसकी फॉर्म है वो इम्पेल्पेबल होती है. इम्पेल्पेबल वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, है ना. फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं. फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. मतलब कौन सी दो प्लेसेस से वो राइज होती है. तो सबको बताया भाई लैंड एंड बॉटमलेस सी से. और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि जो बॉटमलेस सी है इसके अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हो रहा है बच्चों. इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है हाइपरबोल का. हाइपरबोल किसे कहते हैं? जब भी किसी चीज को ओवर एग्जैगरेट करके दिखाया जाता है तो उसको हाइपरबोल कहा जाता है. यहाँ पे सी को बॉटमलेस बोला जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एग्जैगरेशन का इस्तेमाल हो रहा है. दैट इज व्हाट, दैट इज हाइपरबोल. समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं बच्चों. सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन लिखा है व्हाट हैपेंस टू द अर्थ व्हेन रेन फॉल्स बैक ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. मतलब कि जब अर्थ पे वापस रेन पड़ती है, मतलब पानी ऊपर गया फिर वापस जब वो अर्थ पे आता है तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है. तो भाई इसका आंसर क्या होगा, दैट शुड बी बी, है ना. इट ब्यूटिफाइज एंड प्योरिफाइज द अर्थ. तो भाई वो अर्थ को क्या करती है, ब्यूटिफाई प्योरिफाई करती है. हालांकि मैंने इसके अंदर यूज भी बताया था कि
वो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देती है, उसके बगैर जो सीड्स होते हैं वो हमेशा हिडन रहते हैं, वो उसी की मदद से जर्मिनेट होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। सेवन क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर जो सीड्स हैं उनको रेन कैसे हेल्प करती है। प्रोवाइड्स वाटर, प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प्स देम ग्रो, प्रोवाइड्स लाइफ और नन ऑफ द अबव। तो सेवन का आंसर बच्चों क्या होगा, दैट इज बी, प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प्स देम ग्रो। ठीक है, क्लियर। आगे बच्चों बढ़ते हैं, एट क्वेश्चन पे लिखा है व्हाट डज द रेन डू व्हेन शी डजंट केयर इफ एनीवन बॉदर्स अबाउट हर डीड्स और नॉट। इसका मतलब है कि रेन जो है वो क्या करती है, व्हेन शी डजंट केयर इफ एनीवन बॉदर्स अबाउट हर डीड्स और नॉट। डीड्स मतलब जो काम वो कर रही है उसको लेके कोई उसकी परवाह करता है या नहीं करता, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रेन है वो क्या करती है। तो भाई क्वेश्चन नंबर एट का आंसर क्या है, दैट इज डी, शी कंप्लीट्स हर वर्क्स एंड कम्स बैक होम। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये पता है कौन से क्वेश्चन, कौन सी लाइन पे बेस्ड था, जो रैग्ड और अनरैग्ड वाली लाइन थी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। इसका मतलब है केयर्ड और अनकेयर्ड, मतलब ये मैटर नहीं करता कि कोई रेन की परवाह करे या ना करे, लेकिन वो हमेशा वही करती है जो उसे करना है ना। नाइन क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विद, मतलब जो रेन है उसका कंपेरिजन पोएट ने किससे किया है लास्ट की लाइन में, सॉन्ग से किया है, विद सॉन्ग इशूइंग यू नो सॉन्ग रेन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सॉन्ग इशूइंग फुलफिलमेंट, मतलब सॉन्ग जिस तरीके से चारों तरफ हैप्पीनेस स्प्रेड करता है, प्लेजर स्प्रेड करता है, उसी तरीके से रेन करती है। भाई कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं यहाँ पे। आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी और कुछ क्वेश्चन भी हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, मेरा एक प्लस बैच चल रहा है भाई लोग, मेरा एक प्लस बैच चल रहा है, और वो प्लस बैच जो है उसका टाइमिंग क्या है, लेट मी टेल यू, उसका टाइमिंग है 2:30 से 3:30, 2:30 से 3:30। हालांकि ये एंड होने वाला है, इसके अंदर मैंने हॉर्नबिल का सारे चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा रखा है, और जल्द ही मेरा एक और नया बैच आएगा 11th क्लास को लेके। तो बच्चों जो भी ऐसा स्टूडेंट है जो अपना सिलेबस लाइन बाय लाइन हॉर्नबिल का कंप्लीट करना चाहता है, आने वाले मेरे प्लस बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है, तो मेक श्योर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर ले बच्चों, और कोड यूज करें SUTH10। सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊं, तुम सब जानते ही हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल फ्री। फीस है 15,000, लेकिन 1500 का मिलेगा ऑफ इस कोड को यूज करने पे। जब आप पेमेंट करोगे तो इस कोड को लगाना होगा, 1500 का ऑफ मिल जाएगा। और 13,500 में ध्यान रखना, 11th का सेकेंड टर्म और 12th का कंप्लीट, 11th एंड 12th दोनों को, दोनों आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं, मिलेगा आपको अनलिमिटेड एक्सेस कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स विल बी टीचिंग यू, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में, लाइव टेस्ट सीरीज, हर एक चीज मिलेगी। अगर तुमको ये चाहिए कि यार मुझे पर्सनल गाइडेंस मिले, तो तुम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो मैं वहां पर्सनल एजुकेटर मेंटोर मिलता है जो तुम्हारी वीकली रिपोर्ट तैयार करके बताता है कि हर एक वीक में तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। स्टडी प्लानर मिलता है आपको उसके थ्रू, ठीक है। पेरेंट्स के साथ आप बात करा सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को लेके, बाकी सारे प्लस के फीचर भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ फीस कितनी है, सेम 12 महीने के साथ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 28,000 फीस है, लेकिन 2,800 रुपए का ऑफ भी है, चाहो तो मंथली भी पे कर सकते हो। और ये जो फीस होती है बच्चों, ये ऑल सब्जेक्ट्स के लिए होती है, ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और जितने भी कोर्सेस बनेंगे, पहले जो बन चुके हैं, अभी जो चल रहे हैं, आने वाले जितने भी कोर्सेज, जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, उन सबके कोर्सेज का एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है। कोड यूज करना है SUTH10, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। कोई अगर कोर्स फ्री में चाहता है तो वही वो अनअकैडमी कॉम्बैट को ज्वाइन कर सकता है। उसमें क्या है, अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट को ज्वाइन करते हो तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है, रैंक 1, 2, 3 होल्ड करने पे। 4 से 10 पे 75% स्कॉलरशिप, 11 से 50 पे 50% स्कॉलरशिप, 51 से 150 पे 25%। और भाई यहाँ पे तो प्री रजिस्ट्रेशन है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, 30 क्वेश्चन 60 मिनट में आंसर करने होते हैं। अगर पहली बार ये टेस्ट दोगे तो SUTH10 कोड को यूज जरूर करना, समझ में आ गई बात। और टॉप 3 स्टूडेंट्स को मेडल्स भी मिल रहे हैं, ध्यान रखना, 1 बजे होता है हर एक संडे को, कोड SUTH10 फ्री में एनरोल करने के लिए। और देखो ऐसा नाम आएगा तुम्हारा लिस्ट के अंदर कि भाई तुम्हारी कौन सी रैंक आई है। ये देखो इन बच्चों को मिला था पिछली बार, इस बार 26 तारीख को हो रहा है, सॉरी इस बार 26 तारीख को नहीं, इस बार जो होगा बच्चों अगले संडे को होगा, 26 तारीख की पुरानी स्लाइड लग गई है शायद, ठीक है। चलो भाई आई होप बच्चों आप लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलो क्वेश्चन में आगे की तरफ मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन हमने कर लिया था, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, व्हाई डज द पोएट कंपेयर द रेन विद अ सॉन्ग। भाई क्यों वो सॉन्ग के साथ कंपेयर करता है, ऐसा क्या रीजन है कि वो सॉन्ग के साथ कंपेयर करता है।
दैट इज बिकॉज शी ब्यूटिफाइज द अर्थ शी प्रोवाइड्स लाइफ. ना बच्चे ना, नन ऑफ द अबव. अरे एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी. हाँ ये हो सकता है इसका आंसर, सी हो सकता है बच्चों, हो सकता है इसका आंसर, इट कैन बी सी एज वेल. ठीक है चलो भाई वेरी गुड. 11th क्वेश्चन पे आ जाओ. देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम वेयर डज द सॉन्ग ऑरिजिनेट. मतलब जो सॉन्ग है उसका ऑरिजिन जो है वो कहां से है, सॉन्ग ऑरिजिनेट कहां से होता है भाई. तो यहाँ पे ए दे रखा है हेवन से होता है, बी दे रखा है ओशन से होता है, थर्ड फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, और डी फ्रॉम द सोल ऑफ द अर्थ. तो भाई सीधी सी बात है फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, कि जो सिंगर है उसके दिल से ही तो ऑरिजिनेट होगा ना, सीधी सी बात है. 12th क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं. दैट इज इफ द पोएट हैज यूज्ड अ मेटाफर इन द पोएम व्हाट इज इट. मतलब कि अगर पोएट ने मेटाफर यूज किया है तो वो मेटाफर कहां पे यूज किया है, दैट इज आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. यहां पे मेटाफर यूज किया है. समझ में आ गई बात. एक मिनट बच्चों, जस्ट एक सेकेंड. ओके तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. देखो आगे क्या लिखा हुआ है, मेटाफर कैसे हो गया है, क्योंकि मैंने बताया था ना मेटाफर का मतलब क्या होता है, जब भी एक चीज का किसी दूसरी चीज से डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो उसे हम मेटाफर कहते हैं. ठीक है तो यहाँ पे रेन का कंपैरिजन किससे हो रहा है, यहाँ पे पोम से हो रहा है ना. 13th क्वेश्चन देखो, व्हाट हाइपरबोल वाज यूज्ड इन द पोम. तो भाई दैट वाज बॉटमलेस सी. मैंने समझा रखा था पहले ही, बॉटमलेस सी के अंदर हुआ है क्योंकि सी का बॉटम तो होता है ना, तो यहाँ ओवर एग्जैगरेट कर रखा है कहीं ना कहीं बात को. तो ये आपका क्या हो गया भाई, हाइपरबोल हो गया. 14th क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस टू द रेन इन द स्काई. स्काई के अंदर जो रेन है उसके साथ क्या होता है भाई. ठीक है तो इसका आंसर है रेन ड्रॉप जो है वो फॉर्म होती है. ठीक है 15th है, व्हाट डज द वर्ड डिसेंड. भाई डिसेंड का मतलब तो नीचे आना होता है ना, जो रेन है वो नीचे आती है टू लेव द ड्रॉट्स, मतलब जो ड्रॉट है जो सूखा है उसकी प्यास मिटाने के लिए. 16 व्हाई डज द रेन डिसेंड टू द अर्थ. तो ये भी बहुत आसान है, टू वॉश द ड्रॉट एंड प्रोवाइड वाटर. और इसके अलावा भी कुछ आंसर हो सकते हैं, लेट मी चेक. 16 का बच्चों यही दे रखा है, दैट इज ओके. 17 रैग्ड और अनरैग्ड का मतलब क्या है, केयर्ड एंड नॉट केयर्ड. और ये वाली लाइन कहाँ आई थी तुम्हें बताइए, ये मैटर नहीं करता कि आप रेन की परवाह करो या ना करो, वो अपना काम पूरा करती है. 18 क्वेश्चन देखो, वेयर डज द सॉन्ग रिटन इन द पोम. जो सॉन्ग है वो कहाँ पे वापस जाता है, टू इट्स ओरिजिनेटर, जो सिंगर है उसके पास. इसी तरीके से रेन कहाँ पे जाती है, अर्थ पे, क्योंकि अर्थ ही तो उसकी ओरिजिनेटर है ना. अगला हु आर दो का मीनिंग क्या है, ये तो मैंने समझा ही दिया, हु आर यू, और हु इज द पोएट ऑफ द पोम, दैट इज वॉल्ट विटमैन. समझ में आ गई बात बच्चों, आई होप आप लोगों को यहां तक सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों. लेकिन इस बात को ध्यान रखो, तुम में से कोई भी बच्चा अगर अपने मार्क्स को पीक पे ले जाना चाहता है, कोई भी बच्चा चाहता है कि यार मैं मेहनत से आगे बढ़ जाऊं, तो यार तुम लोगों को प्लस कोर्स जरूर लेना है. और प्लस कोर्स अगर तुम 12 महीने का ले रहे हो तो तुम्हें पता है 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, तो गो फॉर दैट. और कोड को यूज करो, दैट इज SUTH10, और लेट्स क्रैक इट. तुम जानते ही हो अनअकैडमी के साथ क्या करते हैं हम, लेट्स क्रैक इट. ठीक है, बग्स बाउंड्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो. बग्स बाउंड्री में क्या होता है, अगर कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आपको नजर आता है अकेडमी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इवन मेरे स्लाइड्स में, तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो एक फॉर्म के जरिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. आपको करना क्या है, रिपोर्ट करना है उस इश्यू को और आपको प्राइस मिलेगा. ठीक है अगली चीज पे बच्चों आ जाते हैं, दैट इज 11th के नए नए बैचेस जो है वो चल रहे थे, अभी कुछ नए बैचेस और आने वाले हैं. अगर आप चाहो तो अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो 11th का, चाहे आप साइंस से हो चाहे कॉमर्स से हो. और मेरी एक प्लस क्लास है बच्चों, और मेरी जो प्लस क्लास है वो अनअकैडमी के लर्निंग, सॉरी प्लस क्लास बोल रहा हूँ, सॉरी मेरी एक स्पेशल क्लास है जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आती है. तो मेक श्योर कि अगर आपको मेरी प्रैक्टिस क्लासेस ज्वाइन करनी है अनअकैडमी ऐप पे, जो स्पेशल क्लास होती है, फ्री क्लासेस होती है, तो आप उन्हें ज्वाइन जरूर करो. मेरे प्रोफाइल को विजिट करके उन्हें अनलॉक करो, और अनलॉक करने के लिए जो कोड है दैट इज SUTH10, वहां तुम क्वेश्चन टैब पे क्वेश्चन भी भेज सकते हो, और ये फीचर तुम्हें फ्री में मिलता है. लाइव रियल टाइम इंटरेक्शंस होते हैं, लाइव पॉल क्विजेस, पॉल लीडर बोर्ड, ये सारी चीजें होती हैं बच्चों. तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा. थैंक यू सो मच बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो. नोट्स को डाउनलोड करना है तो नीचे लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो. और बच्चों कोर्स लेने के लिए मेरे कोड का इस्तेमाल जरूर करना है. कोड क्या है भाई, कोड क्या है, दैट इज SUTH10. जल्दी से जल्दी कोड को लगाओ और ढेर सारा डिस्काउंट पाओ. ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में. बाय बाय एंड टेक केयर.